अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करेंगे आज हम सेक्स और जेंडर की। हमारे कल्चर के अंदर जो है, जब सेक्स की बात जो है की जाती है ना, तो हमें पता क्या सुनने को मिलता है? ओए ओए ओए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुंडे में तो कोई शर्म ही नहीं है, किदरिया गल करता, एक ही हो गया, इन्हू किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई, इन जो कोई गल कर आ रही है, ये कोई गल्ला है, चुप कर लो, ये गल्ला नहीं करी दी है। और जेंडर जो है जनाब, उसके बारे में जो है यही है कि ये जो है लड़का है ये लड़की है। अगर मैं बात करूं सेक्स की, तो सेक्स जो है बायोलॉजिकल जो है करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, जिसकी बिना पर जो है ये कहा जाता है कि ये लड़का है ये लड़की है। बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, इनबॉर्न होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, और जो है जनाब जिसकी बिना पर लड़के और लड़की को तशबीह दी जाती है बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। लेकिन हमारे यहाँ तो जो है जनाब, किस तरह की बातें करता है, इसे कोई तमीज़ नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है, इस तरह की बात करते, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और जेंडर हमारे यहाँ जो है, इवन के CNSE के ऊपर हमारे जो है जेंडर लिखा जाता है, हालांकि सेक्स होना चाहिए वहां जेंडर लिखा जाता है, मर्द है या औरत है, लेकिन जेंडर का मतलब है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द की क्या जिम्मेदारियां हैं, औरत की क्या जिम्मेदारियां। घरों में बच्चे हैं, जैसे बच्चा जो है 9 साल या 10 साल का होता है, अगर लड़का है तो उसे कहा जाता है आपने लड़कियों के साथ नहीं खेलना, आपने बड़े होकर पुलिस वाला बनना है, आर्मी में जाना है, आपने पायलट बनना है। और अगर लड़की है उसे कहा जाता है आपने बड़ी होकर एयर होस्ट बनना है, आपने जो है लेडी नर्स बनना है, आपने लेडी डॉक्टर बनना है, आपने गुड़िया के साथ खेलना है, आपने बॉक्सिंग नहीं करनी, आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने फुटबॉल नहीं खेलना, आपने जो है सर पे दुपट्टा लेना है। और लड़कों को कहा जाता है भाई आप दुपट्टे के बगैर ही बाहर जाए, शर्ट भी उतार दें, कपड़े भी उतार दें, कोई टेंशन नहीं है, और लड़की को प्रॉपर ड्रेसिंग। इवन के आजकल जो है हमारे ट्रेंड कल्चर के अंदर चेंज हो रहा है, इवन के फीमेल नर्सिस होती थी, लेकिन अब जो है मेल नर्सिस भी जो है आना शुरू हो गई है इस फील्ड के अंदर। पहले जो है वो पायलट जो है मेल होते थे, अब जो है फीमेल पायलट भी जो है हो रही है। जेंडर का मतलब ये है कि अगर लड़की है तो लड़की ने लड़कियों वाले काम करने, लड़का है तो लड़कों वाले काम करने, कि उसने जो है कबड्डी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है। तो जब ये ट्रेंड हमारे यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है कि लड़की जो है जनाब वो जो है पायलट बन रही है, लड़की जो है बॉक्सिंग में आ रही है, लड़की जो है क्रिकेट में आ रही है, इसी तरह लड़का जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू हो गया, इवन के जो है अब मेल रिसेप्शनिस्ट भी आ रहे हैं। पहले फीमेल रिसेप्शनिस्ट होती थी, लेकिन आजकल जो है मेल रिसेप्शनिस्ट भी आ रहे हैं, कि वो जो जिम्मेदारी है। तो इस बिना पर जो है जेंडर जो है ना, अक्सर जब हम फॉर्म फिल करते हैं वहां पर जो है नाम फादर नेम नीचे जेंडर, जेंडर में जो है हम कैटेगराइज करते हैं कि मेल है कि फीमेल है, वहां जो है सेक्स होना चाहिए, जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जहां पर जो है बकायदा लिखा जाए मेल है या फीमेल है, जिसे टिक करना है। लेकिन सेक्स का सुनते ही जो है जनाब नाउज़ बिल्ला, ये है वो है, ऐसे वैसे ये यो सारा कुछ अमूमी सी बात है, हमें सुनने को मिलते हैं। इवन कि जो है बाज दफा जो है जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, तो जब हम सेक्स के ऊपर बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो हिचकिचाहट फील करते हैं, हेसिटेशन फील करते हैं, एक्सप्रेस साउंड नहीं करते, लेकिन हम जो है प्रॉपरली ले रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो इस पोर्शन को स्कैप कर देते हैं, रहने दो, इस तरह की बातें करके किससे क्या फायदा, मैरिटल रिलेशन के बारे में पूछ के क्या फायदा, सेक्शुअल रिलेशन के बारे में पूछ के क्या फायदा। खैर, बात हो रही थी सेक्स और जेंडर की। तो सेक्स बायोलॉजिकल इनबॉर्न जो है करेक्टरिस्टिक्स है, और जेंडर जो है हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़की का क्या किरदार है। सिंपल सी बात है, समझना बड़ा आसान है,
लेकिन यही जो है ना मुश्किल तब आती है जब जो है हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। अमेरिकन जो है फॉर्म देखे तो वहां जो है बकायदा जो है सेक्स और जेंडर एट अ टाइम भी कई ऐसे फॉर्म है जहां पर लिखा जाता है कि सेक्स जो है वो मेल है, जेंडर हो सकता है फीमेल वाला भी हो सकता है, कि वो तो रोल है ना, कि रोल कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। वो जो है पार्लर के अंदर जो है जनाब वो जनाब मेकअप करता हो लड़का, हो सकता है। तो चीजों को जो है समझना बड़ा जरूरी है। तो आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में ये मत लिखना ओए किस तरह की बातें करता है, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह का है ही नहीं है, ये हकीकत है। हमें जो है थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, और जो है जेंडर और सेक्स का जो है डिफरेंस वो हमें पता होना चाहिए कि जो है सेक्स बायोलॉजिकल इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है और जेंडर रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे मुआशरे में, लड़के और लड़की का क्या करदार है वो है, सिंपल सी बात है। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।